नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो वही जे सोची लख वार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणप लख हो हित इक न चलै नाल केव सचियारा होइया केव कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह न कोय गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने नीसाण गावै को गुण वडियाइया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेहे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथरा कथी न आवै तोट काथ कथ कथी कोटी कोट कोट देदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे परवाह साचा साहिब साच नाहे भाख्या पाव अपार आखै मंगै देह दे दात करे दातार फेर के अगै रखी है जित दुसै दरबार मुहाओ के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच ना ओढ़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथनो न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नहावा जे तिस भावा विण भाणे के नहाए करी जेती सेठो पाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीर्त जगले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुणे गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोय करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत तबल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सुख काल नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया ईश्वर वर्मा इंदो सुनया मुखसा लहण मन दो सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया सत संतोख ज्ञान हो सुनया अठ सठ का स्नान सुनया पढ़ पढ़ पावै मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावै राह सुनया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਰਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਣ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੈ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਨੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਹੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀ ਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋਹ ਭਗਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲੇਵ ਲਾਏ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੇ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਓ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ ਹੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਯੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾਉ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਓ ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਹੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇ ਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ
केतिया गणत नहीं विचार, केते खप टुटै बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केतिया दुख भूख सद मार, ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए, होर आख न सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए, ओह जाणै जेतिया मोहे खाए, आपे जाणै आपे देहे, आखै से पे के ई केहे, जिस नो बक्से सिफत सालाह, नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आवहै मुल लै जाहे, अमुल पाए मुल असमाहे, अमुल धर्म मुल दीवान, अमुल तुल अमुल प्रवान, अमुल बख्शीस मुल नीसान, अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिव लाए, आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़े करह बखियान, आखै बरमे आखै इंद, आखै गोपी तै गोविंद, आखै ईश्वर आखै सिद्ध, आखै केते कीते बुद्ध, आखै दानव आखै देव, आखै सुर नर मुन जन सेव, केते आखै आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करेहे, ताख न सकै के ई केहे, जेवड़ पावै तेवड़ होए, नानक जाणै सचा सोए, जे को आखै बोल बिगाड़, ता लिखिया सिर गावारा गावार, सो दार केहा सो कार केहा, जित भै सर्व संभाले, वाजे नादन एक असंखा, केते बावन हारे, केते राग परिस्यव कईन, केते गावन हारे, गावे तोनो पौन पानी बै संतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे, गावे इंदे दासन बैठे देवत्या दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहने, सुरगा मच पयाले, गावन रत्नों पाए तेरे, अड़सठ तीर्थ नाले, गावे जोध महा बलसूरा, गावे खान इंचारे, गावे खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे, से ही तुदनो गावे जोत पावन, रते तेरे भगत रसाले, और केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है पी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिनो पाई, कर कर वेखा कीता अपना, जिव तिस दी वड़ियाई, जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पातशाहो साहा पात साहिब, नानक रहन रुजाई, मुंदा संतोख सरमपद चोली, ध्यान की करह विभूत, चिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीता जग जीत, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहते, जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरासाद, संजोग विजोग दो एकार चलावै, लेखे आवै भाग, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दी बाण, जिवत सभावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान, ओह वेखै उन्ना नदर न आवै, बहुता एहो विडाण, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय भंडार, जो किश पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी भाव लख हो, लख होवै लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया है, एक नाम जगदीश, ए तुराहे पत पवड़िया, चढ़िया होए कीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा या ईरीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देन न जोर, जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राजमाल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जीए जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै नीसान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जा पै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काड़त कड़िया है, रूप रंग के वेश,
केतिया कर्म भूमि मेर केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोट आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िया सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता मैं ममाहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरहे न ठागे जाहे जिनकै राम बसै मन माहे तिथे भगत बसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड बसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथे लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अग्न तपताओ भांडा पाओ अमृतो तिताल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सकल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर आयो शरण तुम्हारी सतगुर आयो शरण तुम्हारी सतगुर आयो शरण तुम्हारी सतगुर आयो शरण सुख नाम हर सोबा मिले सुख नाम हर सोबा चिंता दागे हमारी सतगुर आयो शरण तुम्हारी सतगुर आयो शरण तुम्हारी मिले सुख नाम हर सोबा मिले सुख नाम हर सोबा चिंता नहीं हमारी सतगुर आयो शरण सतगुर आयो शरण तुम्हारी अवर न सूजे दूजी ठाहर अवरण सूजे दूजी ठार हार भरियो तो बारी हार भरियो तो बारी हार भरियो तो बारी सत आयो शरण तुम्हारी सतगुरु
आयो शरण तुम्हारी, मिले सुख नाम हर सोबा, मिले सुख नाम हर सोबा, चिंता नारी हमारी, श्री सतगुरु आयो शरण तुम्हारी, सतगुरु आयो शरण तुम्हारी, सतगुरु आयो शरण तुम्हारी, सतगुरु आयो शरण। पाना ही
प्यास से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पौना व्यापे तेरी सरना। बड़ी आसान पंक्तियां हैं, सिंपल पंक्तियां हैं। पावना व्यापे तेरी शरणा, जो तुझ पावे सोई करना। जिसे तेरी शरण प्राप्त हो जाए उसे किसी का डर नहीं रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसे तेरी शरण की प्राप्ति मिल जाए उसे डर नहीं रहता। पर यहाँ पर एक सवाल उठता है, शरण कैसे मिले? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बातों से शरण नहीं मिलती, गली जोग ना होई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शरण बातों से नहीं मिलती। ये जो पंक्तियां पढ़ रहे हैं, पांचवा शब्द में समझा रहे हैं, पांचवे गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज। अगर उसकी शरण चाहिए तो क्या कर? कहते सारा संसार किसी न किसी डर में जी रहा है, हर एक को किसी का डर है। डर डर के, मर मर के, भरमों में सब जी रहे। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कोई है जो बिना डर के जीता है? हाँ, कौन? जिसे तेरी शरण प्राप्त है। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक। पर वो कौन है? शरण की प्राप्ति कैसे हो? अच्छा समझा रहे हैं, भय में है रचियो सब संसारा। संसार में हर कोई डर के जी रहा है, पर तिस भव नाही जिस नाम आधारा। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसने नाम को अपना आधार बना लिया। परसों भी इसी बात पर विचार हुई थी, हर नाम का ओला। मन मेरे गहो हर नाम का ओला, तुझे न लागे ताता चोला। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसे नाम का आसरा मिल गया, नाम का ओला जिसने ले लिया, उसे किसी का डर नहीं। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। डर भी सत्संगत जी दो प्रकार का होता है, एक संसारी डर, एक निर्मल भाव। दोनों में बहुत अंतर है। अब ये एक बहुत बड़ा प्रकरण है, अगर इसे लेकर दास बैठे तो। निर्मल भाव, वो भी भाव है पर निर्मल भाव है। पिता से बच्चा डरता है, बड़ा होने के बाद भी डरता है, ये रिस्पेक्ट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसे कहते हैं निर्मल भाव। महापुरुषों की संगत में पहलवान भी आ जाए वो भी महापुरुषों से डरता है, क्यों? ये निर्मल भाव है। यहाँ पर शारीरिक ताकत की बात नहीं है, यहाँ पर मानसिक ताकत की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निर्मल भाव, दूसरों के लिए डरना निर्मल भाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवादार सेवा कर रहा है गुरुद्वारे में, पर डर कर सेवा करे। डर क्या है? निर्मल भाव, कि कोई मेरी वजह से टूट ना जाए, निर्मल भाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये डर होना जरूरी है कि कोई गलती ना हो जाए जिससे संगत टूट जाए, निर्मल भाव। यह डर की गिनती में नहीं आता, यह प्रेम की गिनती में आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक डर है जो कभी नहीं होना चाहिए, और वो डर केवल नाम मिटा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी का भी डर नहीं होना चाहिए सिवाय उस एक के। मेरा रुस्से न कलगिया वाला, जग पावे सारा रुस जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये डर हो, पर वो डर ना हो कि लोग क्या कहेंगे, वो डर ना हो कि वो मुझे कुछ कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये डर खत्म करने का एक ही तरीका है, वाणी कह रही है। सब संसारा है मेरे चे सब संसारा
तिस भाना ही जिस नाम अदारा तिस भाना ही जिस नाम अदारा तिस भाना ही जिस नाम नाम अदारा हो नाविया पे तेरी सरना हो नाविया पे तेरी सरना हो नाविया पे तेरी सरना ओ नाविया तेरी सरना जो तुझ पावे सोई करना जो तुझ पावे सोई कर सोग हरख में है आवण जाना सोग हरख में है आवण जाना सोग हरख तिन सुख पाया जो प्रभु पाना तिन सुख पाया जो प्रभु पाना जस बोलियो धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक सोग हरख में आवण जाना पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस सृष्टि में इस संसार में सुख दुख सुख दुख सुख दुख झेलते हुए इंसान का जन्म होता है और मर जाता है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक जन्म से लेके मरने तक दुख सुख भोगता रहता है पर एक है कोई विरले जन नानक उत्तम कार्य विरले के ही के
जिन्होंने अपनी सुरत को शब्द से जोड़ दिया है, जिन्होंने गुरु के भाने को मान लिया है, जो गुरमुख है, जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसकी बात मानते हैं, वो परमानेंट सुख को पा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीन सुख पाया, आत्मिक सुख की प्राप्ति केवल उन्हें होती है जो उसके भाने को मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत ऊंची अवस्था है भाणा मानना। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज स्तुति तवी पर बैठे भाणा मान रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे जीवन में छोटा सा दुख आ जाए, कंप्लेन लेकर बैठ जाते हैं गुरु के आगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए, अरदास गुरु को ही करनी है, हमारे पास और कोई है नहीं सिवाय गुरु के। पर उसका भी एक ढंग होता है, एक होता है कंप्लेन, एक होता है फरियाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पाछा, मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे पता है मुझसे भूल हुई है, बख्श दे। एक होता है मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैं तो अमृत ले उठता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन दोनों में बहुत अंतर है। ये तो हिसाब किताब हो गया कि मैं अमृत ले उठता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। और अगर हिसाब किताब में पड़ गए, लेख है कतई ना छूटी है, खिन खिन पूलन हर, हम तो हर सेकंड भूल करते हैं, अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं, कितने पाप किए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां गिनती नहीं, अगर गिनती में पड़ गए, हिसाब में पड़ गए, तो छूट नहीं पाएंगे, कोई नहीं छूट सकता अगर गिनती में पड़ जाए तो। केवल बख्शा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा, मुझे पता है, मुझे नहीं पता मैंने कैसे कैसे कर्म किए, कितने जन्मों के मेरे बुरे कर्म है, तू तो काट रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कभी नहीं हो सकता कि नाम जपा हुआ व्यर्थ चला जाए, हो ही नहीं सकता, एक बार भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। पर हम डोरी गुरु पर छोड़ते नहीं, अपनी लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं कि मैंने इतना किया कुछ नहीं हुआ, मैंने इतना किया कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ना हो, नहीं हो सकता, हमारे कर्मों का हमें नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजारों लाखों लोग हैं जो ऑडियोस बना बना कर भेजते हैं कि हमारे पास ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, मतलब गिनती नहीं है, मैं सुन नहीं पाता इतने ऑडियोस, और सुनता हूं तो आंखों में आंसू आ जाते, शुक्राना निकलता है गुरु के चरणों में कि पाशा तूने जोड़ा, अमृत वेले से लोगों के दुख दूर हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूछो उनसे जिन्होंने पाया है अमृत वेले उठकर, पर नाम का आसरा पकड़ा है जिन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीन सुख पाया जो प्रभु भाणा, जो उसके भाणे में चल पड़ा, ये गुरु जो कर रहा है उसके पीछे कोई कारण है। जिसके मन में ये विचार आ जाए दुख आते हुए भी, वो परमानेंट सुख को पा लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि फिर वो कंप्लेन नहीं करता, फिर वो क्या कहता है, जो तुझ पावे सोई करना, जो तुझ पावे सोई करना, जो तुझ पावे सोई करना, जो तुझ पावे सो तेरी शरणा।
अग्न सागर व्यापे माया महा व्यापे माया से शीतल जिन सतगुर पाया जिन सतगुर पाया सतगुर से शीतल जिन सतगुरु पाया जिन सतगुरु पाया अग्नि सागर अग्न सागर महाव्यापे माया। अग्नि का सागर किसे कहा है? कृष्णा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्णा की भूख के समंदर में डूबा हुआ है इंसान। कृष्णा और की भूख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूखिया भूखना उतरी जे बन्ना पुरिया पार। श्री जपजी साहब जी की वाणी में गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जिसे भूख लग जाए तृष्णा की, उसकी भूख नहीं उतर सकती, चाहे सारी पुरियां, जितनी भी पुरियां हैं, जितने सृष्टि में जितना धन है उसके आगे लाके रख दो, तब भी वो कहेगा और चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पृथ्वी की बात नहीं की, जितने भी पुरियां हैं सबका धन लाके, सबके पदार्थ लाके उसके आगे रख दो, इंसान कहेगा और चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसे अग्न का सागर कहा है, अग्न सागर महाव्यापे माया। पर कोई है से शीतल जिन सतगुरु पाया, उनके मन की भूख मिट गई, उनकी तृष्णा खत्म हो गई, जिसने गुरु नानक को ही पा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी से गुरु नानक पातशाह ने कहा था ना, मांग कुछ मांग ले। बाबा नंद सिंह जी कहते मुझे मांगना नहीं आता। गुरु नानक पातशाह कहने लगे हमारी खुशी के लिए मांग ले, मेरा मन करता है तो कुछ मांग। तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे अगर आपका हुक्म है तो मैं यही मांगता हूँ कि मुझे अपना बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे एक तो कहता है मांगना आता नहीं और सब कुछ मांग लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसने गुरु नानक को ही मांग लिया बचा ही क्या, सृष्टि का मालिक ही जिसका हो गया। जिसने किसी अनाथ को अपना बना लिया, गोद ले लिया, उसकी सारी दौलत का मालिक कौन? वही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। से शीतल जिन सतगुरु पाया, केवल उनके मन शीतल है, शांत है, जिनको प्यास है गुरु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे उसे पानी की प्यास है या जो उसे पा चुका है, उनके मन शीतल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में हर बात के दो पहलू होते हैं। अगर शीतल की बात करें तो जो गुरु के प्यास में जो तड़प है,
जो मन जलता है उसमें उसमें एक रस है, उसमें एक खुशी है, उसमें एक उस दर्द में भी आनंद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, सुल्तान भक्ति कहा है बिरहा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उत्तम भक्ति टॉप की भक्ति सुल्तान बिरहा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके मन में उसको पाने की प्यास जाग जाए उनके मन शीतल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि और उन्हें और किसी चीज की भूख नहीं रह जाती। ये सब हम क्यों सुनते हैं सत्संग? ताकि हमें ज्ञान तो हो, ठीक है हमारी ये अवस्था नहीं है, यहाँ तक पहुंच नहीं, पर ज्ञान हो कि पहुंचना कहाँ पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई कोर्स ज्वाइन करता है ना तो उसे पता होता है कि ये कोर्स करके वो क्या बनना चाहता है। IAS बनना है तो उसके लिए क्या करना है हम वो समझ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता तो होना चाहिए कि क्या क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, ये मंजिल है हमारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगन सागर महाव्याप श्री गुरु नानक। गुरु अमरदास जी अपनी बाणी में समझाते हैं,
के माथे जो धुर लिखिया सो मेट ना सके कोई, जो जहां पर लिख दिया गया वो नहीं मिट सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो किस्मत में लिख दिया गया वो होकर ही रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नानक जो लिखिया सो वर्तदा, सो बूझे जिसनो नदर हुए। गुरु नानक पांचवे गुरु नानक, गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक वाणी में फरमा रहे हैं कि जो लिखिया सो वर्तदा। अब हमारे कर्मों की वजह से यहां पर लिख दिया गया है कि कैंसर होगा तो होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अगर हमारी किस्मत में लिख दिया गया कि सारा जीवन गरीबी में जीना है तो गरीबी में जीना है। जो दुख लिख दिया गया, जो सुख लिख दिया गया वो होना है। आगे की पंक्ति बड़ी कीमती है, सो बूझ है जिसनो नदर होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पर इस पंक्तियों में, इन दो पंक्तियों में एक बुझारत छिपी है। बुझारत, बुझारत उसे कहते रिडल। अब उसे बूझना है, कौन बूझता है उसे? जिसके ऊपर गुरु नानक की नजर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहां पर बूझने वाली बात क्या है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसे कहते हैं आद रोग। तीन प्रकार के रोग होते हैं, आद, व्याद, उपाद। आदि, व्याधि, उपाधि, ये तीन प्रकार के रोग हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदि रोग, जो लिखा है वो होकर रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आद, पहले से लिख दिया गया है कि कैंसर होगा, इसे ऐसी बीमारी होगी, ये गरीबी में रहेगा, ये जो कुछ भी है ये सजा मिलेगी इसे। पर बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, अगर जो लिखा है, अब बात हो रही है बूझने की, यहां पर बूझना क्या है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, अगर जो लिखा है वो होना है तो फिर गुरु के शरण में आने का लाभ क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर लिख दिया गया कि इसके घर में औलाद नहीं होने और अब औलाद मिलनी नहीं है, ये लिखा हुआ है, तो फिर इसके दर पर आने का लाभ क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके चरणों में आकर अमृत वेले क्यों बैठे हैं भाई? बख्श दे, लेख बदल दे, कहते हैं ना लिख दे, अच्छा वहां नहीं लिखा है, यहां लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि लिखने वाला अगर ये है, हमारे कर्मों की वजह से, हमारे बुरे कर्मों की वजह से अगर सजा लिखी है तो इसी ने लिखी है ना, विधि के विधान ने लिखी है ना, और विधाता कौन है? गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने वहां लिखा है, मिटाकर यहां कुछ नया भी लिख सकता है, उसके हाथ में ताकत है। गुरु नानक मेरे, कलम हाथ तेरे, तू तो सोने सोने लेख लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। अगर जो लिखा है वही होना है तो गुरु नानक के शरण में क्यों आके बैठे हैं? लेख तीन लोगों के नहीं बदलते, बस हम उनकी गिनती में ना आ जाए, इससे समझ जाए। ये तीन लोगों के लेख कभी नहीं मिटते, चाहे कुछ भी कर ले। और अगर इन तीनों की गिनती में ना आए तो लेख बदलने ही बदलने हैं 100%। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी वचन किया करते थे, जिन्होंने दास को कीर्तन के दांत बख्शे, वो वचन किया करते थे, लेख तीन लोगों के नहीं मिटते। पहला मनमुख, अगर मनमुख है जो गुरु के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता, अपने तर्क पेश करता है, गुरु कहता है नॉनवेज नहीं खाना, मांस नहीं खाना, वो अपने तर्क पेश करता है कि नहीं खाएंगे तो सारे दुनिया में बकरे ही बकरे हो जाएंगे, मुर्गियां ही मुर्गियां हो जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, अपने तर्क है उसके, कभी गुरुओं पे दोष लगा देता है कि गुरुओं ने खाए थे। मनमुख, लेख नहीं बदलते, चाहे कुछ भी कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नाम भी जप लेगा, सेवा भी कर लेगा, पर अगर मनमुख है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, अपने तर्कों पे चलता है,
तो जो नाम जपेगा जो सेवा करेगा उसका फल मिलेगा अलग, पर कर्म फिर भोगने पड़ेंगे, वो बदलेंगे नहीं। हर से बोलियो धन गुरु नानक। दूसरा है चौफेरा, जो हर दर पे भटकता हो, हर से बोलियो धन गुरु नानक, जिसे एक पे विश्वास नहीं, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां कभी वहां, यहां से बात नहीं बनी चलो वहां चलते हैं, वहां से बात नहीं बनी चलो वहां चलते हैं, चौफेरे के लेख नहीं बदलते, जिसे एक पर विश्वास नहीं आया, हर से बोलिए धन गुरु नानक। रिस्पेक्ट सबकी करनी है, सर सबके आगे झुकाओ श्रद्धा से, पर मन में बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, जब एक ब्याहता स्त्री घर में आती है उसे सत्कार देवर का भी करना है, जेठ का भी करना है, माता पिता का भी करना है, सास ससुर का सबका करना है, पर जो जगह उसके मन में अपने पति के लिए है वो किसी के लिए नहीं, यहां से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर वो उन सबका सत्कार नहीं करेगी तो अपने पति की नजरों में भी गिर जाएगी, इसीलिए मन एक को देना है पर सत्कार सबका करना है, अगर दूसरों का सत्कार नहीं किया तो अपने ही गुरु के नजरों में गिर जाएंगे, यहां से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। मनमुख के चौफेरे के और तीसरे अहंकार ही के लेख नहीं बदलते। अहंकार क्या, मैंने इतने पाठ किए, मैंने इतनी सेवा की, जो भी बात निकली थी, जो इस प्रकार से अरदास करते हैं मन में अहंकार लेकर नाम जप रहे हैं, तीनों के लेख नहीं बदलते। लेख किसके बदलते हैं, गुरुमुख के। दुख आ गया है वो गुरु के आगे खड़ा हो जाता है, पाछा ना जाने मैंने कितने अपराध किए, कितने पाप किए, कितने कर्मों के पाप हैं, कितने जन्मों के पाप हैं, बख्श दे बख्श दे। जो बख्शाने के लिए खड़ा हो गया, जो गुरु कहते हैं अमृत ले उठो तो उठता है, गुरु कहते हैं शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाता, नहीं खाता नहीं पीता, निंदा नहीं करनी, अपने को बचाने की पूरी कोशिश करता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है गुरुमुख। गुरु को लेख बदलने पड़ते हैं, घर से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी घटनाएं हैं, समय नहीं है इस वक्त बताने का। आदि रोग, कर्म रोग जिसे कहते हैं, उन्हीं के बदलते हैं जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, अपने मन के रास्ते पर नहीं। यहां से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु नानक मेहर करें हम कभी मनमुख के ना बने, चौफेरे ना बने, तरस करे गुरु अहंकार से खुद बचा ले। हर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आद रोग से कहते हैं, दूसरा रोग ब्याद रोग, हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ब्याद रोग किसे कहते हैं, अचानक कोई दुख आ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, कहीं से गिर पड़ना, अचानक किसी चीज का हमला हो जाना जो सोचा भी नहीं है, पता ही नहीं है किसी को, अचानक घर में बड़ा दुख आ जाना, इसे कहते हैं व्याधि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इससे बचने का क्या तरीका है, वाणी में एक एक सवाल का जवाब है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका कोई जवाब नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। है दो पंक्तियां पढ़ लें फिर विचार आगे बढ़ाते। नलक आर ब्रह्म शरणा चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाए। व्याधि रोग, व्याधि रोग उसकी बात हो रही है, उसकी काट क्या है, ये जो अचानक दुख आ जाते हैं इससे बचने का तरीका इस शब्द में बड़ी डिटेल में बताया है, ध्यान से श्रवण कीजिए। तिवन लग पार ब्रह्म शरणा चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाए। सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाए राम नाम औखद दिया एका लिवला।
शिखर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात हो रही व्याधि रोग, व्याधि क्या है, व्याधि दुख क्या है, अचानक आने वाला दुख, इससे बचने का तरीका क्या है, इसका इलाज क्या है। ताती वाव न लग गई, तुझे गर्म हवा का झोंका भी नहीं छू पाएगा अगर तूने उसकी शरण प्राप्त कर ली, पार ब्रह्म शरणाई। अभी शब्द भी यही चल रहे, भाव न व्याप्याय तेरी शरणा, पार ब्रह्म शरणाई। चौ गिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाए, एक घेरा बन जाता है नाम की ताकत का, कोई दुख उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। होता कैसे है, बड़ी डिटेल में समझाया। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई, सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। अब सतगुरु मिल गया, हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के शरण प्राप्त हो गई। अब गुरु ग्रंथ साहिब जी ने उपदेश दिया, भाई नाम जप, वाणी क्या कहती है हर शब्द में, नाम जप। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, कोई संत महापुरुष मिला दिया जिसकी संगत में नाम जपने का चाव पैदा हो गया, बनत बन गई, बनत बना दी गुरु ने, महापुरुषों से भेंट करा दी। महापुरुषों से भेंट होने के बाद क्या हो गया, तेरे भीतर नाम चल पड़ा। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाए, गुरु ने बनत क्या बनाई, संतों महापुरुषों की संगत बख्श दी जिन्होंने तुझे अपनी संगत में रख के नाम से जोड़ दिया। अब नाम ने क्या किया, सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया, राम नाम की ऐसी दवाई दी एक का लिव लाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अब तेरी लिव लग गई गुरु के चरणों से। देखना कितने सिस्टमेटिक शब्द में समझाया गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने। संतो महापुरुषों ने क्या किया, तेरे अंदर राम नाम का जाप शुरू करवा दिया, तेरी लिव जुड़ गई नाम से। अब लिव जुड़ने से क्या होगा, राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई। ब्याद रोग की बात हो रही है, राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई, आने वाले दुख आने से पहले ही खत्म कर दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक काली बिलाई, अब ये तो जिन्हें इस बात का ज्ञान है वो इस बात को समझ सकते हैं, जब लिव जुड़ी होती है ना, आप सफर कर रहे हो, चाहे जंगल में बैठे हो, कार चला रहे हो, कुछ भी, अगर आपके सुरत जुड़े हुए नाम से, या कहीं भी बैठे हो, कई बार वो समझ सकते हैं जो इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं कि भीतर से आवाज आती है, गुरु कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा कर, यहां से नहीं वहां से जा, ऐसे नहीं ऐसे कर, अंदर से आवाज आती है उनके, क्योंकि लिव जुड़ गई हुई है, बात हो रही है, लाइन जुड़ गई है टेलीफोन पर, अब बात हो रही है, भीतर से आवाज आती है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो आने वाली मुश्किलों से गुरु बचा देता है समझाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सतगुरु पूरा भेटिया जिन भनत बनाई, राम नाम औखद दिया एक काली बलाई, राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई, कह नानक कृपा भई प्रभु भय सहाई। अगर नाम नाम से लिव जुड़ गई, तेरे दुख आने से पहले ही कट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, हर इंसान के जीवन में 100 बार मौत लिखी होती है, एक मौत तो अटल है जो होनी है, 99 टाइम अन्यायी मौत लिखी होती है, केवल वो उससे बचता है जिसे शरण की प्राप्ति है गुरु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाकी सब नहीं बच पाते, ये जो सबने वाणी की ताकत को अब देखा है अपनी आंखों से, सोना तो बहुत था सबने कि 40 दिन में क्या हुआ है, सारी संगत ने श्री जपजी साहब जी की वाणी का आसरा लिया, शरण प्राप्त की ना, गुरु नानक की बात मानी, गुरु अर्जन देव जी महाराज की बात मानी ना हमने, गुरु श्री सुखमनी साहब जी की वाणी से सब जुड़ गए, क्या हुआ, सबकी रक्षा हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहो नानक कृपा भई, कृपा कर दी उसने प्रभु भय सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तीन प्रकार के रोग, आदि व्याधि और तीसरा उपाध। उपाध रोग क्या है, दिमाग का हिल जाना, पागल हो जाना, अपने क्रोध पे कंट्रोल ना रहना, कोई पसंद ना करे पास में बिठाने के लिए, क्योंकि स्वभाव ही इतना बिगड़ गया है कि कोई पसंद नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
ऐसे लोग जो डिप्रेशन में चले गए, इसे कहते हैं उपाध रोग, मानसिक रोग। मानसिक रोगी होते हैं जिनके पास किसी को बैठना पसंद नहीं है। सूखा पेड़ हो, उसके नीचे कोई नहीं बैठता, सूखे मन के पास कोई क्यों बैठेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों महापुरुषों के पास बैठने का क्यों आनंद आता है, क्या वजह है? उनके मन हरे हुए होते हैं, नाम से छांव मिलती है, शांति मिलती है, मन को आनंद मिलता है, मन करता है बैठे रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उपाध रोग, इसका इलाज केवल एक है, बस कोई दूसरा नहीं, केवल एक। क्या है? उठ नाम जप, 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 चला गे उठ नाम जप, निसबासुर आराध, चला गे निसबासुर आराध, तुझे ना व्यापै नानक मिटे उपाध, कारा तुझे ना व्यापै नानक मिटे उपाध, उठ नाम जप, 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 उठ नाम जप। कितना क्लियर समझाया है, इसका इलाज एक ही है, अमृत वेले उठ नाम जप। ये जो तेरा बिगड़ा हुआ स्वभाव है, जिसकी वजह से तुझे कोई पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से तेरा कोई काम नहीं बनता, ये स्वभाव बिगड़ते बिगड़ते इंसान पागल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। पर अगर तूने अमृत वेले उठ के नाम जपना शुरू कर दिया, गुरुमुख बन गया, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा, ये उपाध रोग भी खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कारा तुझे ना व्याप नानक मिटे उपाध, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस किया गुरु नानक ने हमें अमृत वाला बख्शा है। बहुत सारी संगत इस वक्त सारी दुनिया में जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोग वैसे होंगे जो केवल आज उठे हैं, कभी कभी उठते हैं। कल भी मुझे कुछ लोग मिले थे, कहते चालिए में उठते हैं उसके बाद सो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, उनके चरणों में बेनती है कि मन बनाओ। चालिया होता ही इसके लिए है कि आदत पड़ जाए। तरस किया गुरु ने चाली के, अब जब कल अपने आप उस वक्त नींद खुल जाएगी। संभाल लो अमृत वेला, ना आद ना व्याद ना उपाद, कोई दुख पहुंच नहीं सकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी चीज का डर नहीं रहेगा, भाव ना व्यापे तेरी शरण, गुरु की शरण प्राप्त हो जाएगी जिसने अमृत वेला संभाल लिया। क्योंकि गुरु नानक के वचन है, जो अमृत वेला संभाल लेगा, बाबा नंद सिंह जी के वचन, गुरु नानक उसे संभाल लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाव ना व्यापे तेरी शरणा, उसकी शरण प्राप्त हो जाए। भाव ना व्यापे तेरी शरणा, भाव ना व्यापे तेरी शरणा, भाव ना व्यापे तेरी
दसवीं कवियो वाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रचा पूरन होए चित के इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सब है तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब कर तारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए
पूर्ण होए हमारी आशा, और भजन के रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ, जो पर चाहो सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन सत्र हमारे मारिये, आप हाथ दे मुझे उभरिये, मर्ण काल का त्रास नवरिये, पूजो सदा हमारे पछा, सिर्यस तुझ जो करियो रचा, राख लियो मुझे राखण हारे, साहिब संत साहिब प्यारे, दीन बांध दुष्टन के हंदा, हो पुरी ततर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए सब जो अवतरा, काल पाए कर विषण प्रगासा, सकल काल का किया तमासा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जग छन उपजायो, आद अंत के अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारे, सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोहबत कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंजर अस्तोला, सब पर कृपा दृष्ट कर भूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट के जान, जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तर्क तब दे अपारा, जब अकर्क कर तो कब हो, सब जेते बदन श्रेष्ठ सब दार, आप आपने मोजे उतार, तुम सब ही ते रहत निरालम, भेद भेद अरे आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, तांका मूढ़ उचार तो भेदा, को पेव न पाप भेदा, तांको कर पान अनुमान, महामूढ़ कछ भेद न जान, महान देव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिन्हत न पेव, आप आपनी बुद्ध है जेती, तो पिन पिन तो तुमरा लखा न जाए पसारा, कुछ सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कई कोपा, अंडज जेरज से तज कीनी, कुछ खान बहो रच देने, कहूं कुल राजा हव बैठा, समट पयो संक्रिय फैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप से अंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, दुष्ट जिते उठवते उत पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुझ तव सरणी परे, जिनके दुष्ट दुख तो हव मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, जिनके तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार ते है, आके काल निकटने है, रक्षा होई ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला, कृपा दृष्ट संजाय निहरो, आके ताप तनक मोहर, और ए तो सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छा छै सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल पास ते ताए उमारा, जिन नर नाम ते हारो कहा, दुष्ट लोग ते रहा, खड़ग कीत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले ओ उबारी, सर्व डोर मो सहाई, दुष्ट लोग ते ले ओ बचाई, खड़ग कीत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले ओ उबारी, सर्व डोर मो सहाई, दुष्ट लोग ते ले ओ राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से ती मन वजिया बाधाया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आनंद होवा
सतगुरु मैं पाया। सारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे घर ता तेरे सब कुछ है जिसे सो पावे। सच्चे सैब क्या नाई घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो। साचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सान सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पूजाइया। सबागे घर सबागे सबद वाजे कला ज करतारिया पांच दूत बस कीते काल कंटक मारिया। मन सुनो बड़बागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे। कहते पवि सतगुरु रे अपरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहर पूरे सलो पवन गुरु पाणी पिता। चंगियां बुरियां आईया वाजे धर्म हजूर करमी आपो अपने जिनी नाम ध्याया जिनी वाहे गुरु 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 वाहे काल नानक ते मुखे उजले खेती छोटे नाल। बोलो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह फतेह। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। करै शुकराना करै शुकराना करै शुकराना करै शुकराना। का
शुक्राना। शुक्राणा करे शुक्राणा करे शुक्राणा।
करता जो करे सिर तर मन करे शुकराना जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सदा सहाय।
जय गुरु जी की। गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। जो ग्राउंड फ्लोर पर मरीज बैठे हैं, बाहर से आए हैं हॉस्पिटल से, उन्हें ये पेपर जरूर दे दिए जाए, वो वांझे ना रह जाए। एक बात यहां पर दास स्पष्ट कर दे सत्संग जी के, जो शब्दों का जाप दास कराने जा रहा है, मेरी जगह कोई दूसरा कोई भी बैठा होगा ना, आप में से भी कोई, तो भी ये वही चमत्कार करेगी जो मेरे बोलने से होने वाला है। कहने का भाव, ये इसलिए देह अरोग नहीं होगी हमारी क्योंकि ये मैं करा रहा हूं, ये इसलिए होगी क्योंकि ये गुरबाणी की ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। मेरे पास कई लोग आते हैं कि हमारी देह रोग हो जाएगी ना, हम आएंगे यहाँ पर, तो मैंने कहा मेरे कहने से नहीं होगी, ये आपकी भावना से होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। जैसी जैसी भावना तैसा तैसा फल। गुरु मेहर करे हमें सुनने की, मन जोड़कर जपने की सुमत बख्शे, कृपा करें। आओ अब मन बिरत्या एकाग्रचित कर लीजिए, पीठ सीधी कर लीजिए, सावधान हो जाइए बिल्कुल, और सेवादारों से बेनती, किसी भी प्रकार का शोर ना होने दें, किसी भी प्रकार का। गुरु मेहर करें कि बिल्कुल मन एकाग्रचित हो जाए। गुरु नानक पातशाह मेहर करके हमारा मन अपने चरणों से जोड़ लें। मेरे देह में भी रोग है, इसकी देह में भी रोग हैं, ये भी बीमार हैं, हम सब बीमार हैं, किसी को छोटी बीमारी किसी को बड़ी। गुरु मेहर करें, गुरु नानक मेहर करें, तक की नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। ये गुरु नानक की मेहर के बिना हो सकता है? इतनी संगत रात को जुड़ी बैठी है संगत में, सत्संगत में, ये गुरु नानक की मेहर है यहाँ पर विशेष। आओ सब मिलकर पढ़े धन गुरु नानक धन गुरु नानक। पहले 13 बार मूल मंत्र का जाप, फिर उसके बाद इन शब्दों का जाप। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहुं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच
जुगाड़ सच है भी सच नानक होसे भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैपह गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैपह गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपह गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपह गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपह गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपह गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपह गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपह गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपह गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपह गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच धन गुरु नानक 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 बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी विच बाणी अमृत सारे अमृत सारे बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी विच बाणी अमृत सारे अमृत सारे गुरबाणी कहे गुरबाणी कहे सेवक जन माने सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे तीने ताप निवारण हारा निवारण हारा दुख हंता सुख रास तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको विघन ना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास ताको विघन ना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास तीने ताप निवारण हारा
दुखहंता सुखरास ताको विघन नाको लगे जाके प्रभु आगे अरदास ताको विघन नाको लागे विघन नाको लागे जाके प्रभु आगे अरदास मलार महला चौथा मलार महला चौथा हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे दयाल लाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे दयाल लाल हे दयाल लाल प्राणनाथ प्राणनाथ अनाथ सखे अनाथ सखे दीन दर्द निवार 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 हे समरथ हे समरथ अगम पूरन अगम पूरन मोह माया धार मोह माया धार मोह माया धार मोह माया धार अंधकूप अंधकूप महापयान महापयान नानक पार उतार 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 बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी विच बाणी अमृत सारे अमृत सारे विच बाणी विच बाणी अमृत सारे अमृत सारे गुरबाणी कहे गुरबाणी कहे सेवक जन माने सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे कोर दुख्यं कोर दुख्यं अनिक हत्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं जन्म दारिद्रं महाविख्यातं महाविख्यातं कोर दुख्यं कोर दुख्यं अनिक हत्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं जन्म दारिद्रं महाविख्यातं महाविख्यातं मिटंत सगल मिटंत सगल सिमरंत हर नाम सिमरंत हर नाम नानक जैसे नानक जैसे पावक कासट पावक कासट पसमंग करोत पसमंग करोत नानक जैसे नानक जैसे पावक कासट पावक कासट पसमंग करोत पसमंग करोत घोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यातं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट भस्मं करोत पौड़ी पौड़ी लल्ला लावो लल्ला लावो औखद जाहु औखद जाहु दुख दर्द तह मिटह खिनाहु तह मिटह खिनाहु दुख दर्द तह मिटह खिनाहु तह मिटह खिनाहु दुख दर्द तह मिटह खिनाहु तह मिटह खिनाहु नाम औखद जह हृदय हितावे ताहे रोग सुपने नहीं आवे हर औखद सब घट है भाई सब घट है भाई गुर पूरे बिन विद ना बनाई विद ना बनाई
गुरपूरे संजम कर दिया नानक तो फिर दुख ना थिया नानक तो फिर दुख ना थिया नानक तो फिर दुख ना थिया बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे सलोक दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ भैरो महल्ला चौथा उठत सुखिया बैठत सुखिया भाव नहीं लागे जा ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी सगल घटा का अंतर जामी रहाओ सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभ तू वर्तनता घर सुख वसिया बाहर सुख पाया कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया घर सुख वसिया बाहर सुख पाया कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे एक आस हर मन रखो एक आस राखो मन माहे एक आस राखो मन माहे एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे एक आस राखो
नानक मिट जा सोरठ महला पंजवा सोरठ महला पंजवा गए कलेश रोग सब नासे प्रभ अपने कृपा धारी आठ पहर आराधो स्वामी पूरन घाल हमारी हर जियो तू सुख संपत रास हर जियो तू सुख संपत रास राख लेहो भाई मेरे को प्रभ आगे अरदास राख लेहो भाई मेरे को प्रभ आगे अरदास जो मांगो सोई पावो अपने खसम भरोसा अपने खसम भरोसा कहो नानक गुरपूरा भेटियो मिटियो सगल अंदेशा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे अनेक उपावी रोग ना जाए अनेक उपावी रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए रोग मिटे हर औखद लाए अनेक उपावी रोग ना जाए रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए रोग मिटे हर औखद राग बिलावल महला पंजवा दुपदे कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्याग्या दारू नाम लया अवर उपाव सब त्याग्या दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पया गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी कर्मया गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी कर्मया बाहां पकड़ प्रभ काट्या कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी
बाणी अमृत सारे, अमृत सारे गुरबाणी कहे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे गुरपूरे, गुरपूरे कृपा करी, कृपा करी काट्या दुख रोग, काट्या दुख रोग गुरपूरे, गुरपूरे कृपा करी, कृपा करी काट्या दुख रोग, काट्या दुख रोग मन तन शीतल, मन तन शीतल सुखी भया, सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग, प्रभ ध्यावन जोग मन तन शीतल, मन तन शीतल सुखी भया, सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग, प्रभ ध्यावन जोग गुरपुरे कृपा काटिया दुख रो मन तन मन तन शीतल मन तन शीतल ध्यावन जो बिलावल महला पंजवा, बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया, रोग मिटाया आप प्रभु, आप प्रभु रोग मिटाया, रोग मिटाया आप प्रभु, आप प्रभु उपजा सुख शांत, उपजा सुख शांत वड प्रताप, वड प्रताप अचरज रूप, अचरज रूप हर किन्ही दात, हर किन्ही दात गुरु गोविंद, गुरु गोविंद कृपा करी, कृपा करी राख्या मेरा भाई, राख्या मेरा भाई, राख्या मेरा भाई, राख्या मेरा भाई हम तिसकी, हम तिसकी शरणागति, शरणागति जो सदा सहाई, जो सदा सहाई हम तिसकी, हम तिसकी शरणागति, शरणागति जो सदा सहाई, जो सदा सहाई रहाओ, रहाओ बिरथी कदे ना हो वही, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, जन की अरदास जन की अरदास, जन की अरदास बिरथी कदे ना हो वही, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, जन की अरदास नानक जोर, नानक जोर गोविंद का, गोविंद का पूरन गुणतास, पूरन गुणतास पूरन गुणतास पूरन गुणतास बाणी गुरु, बाणी गुरु गुरु है बाणी, गुरु है बाणी विच बाणी, विच बाणी अमृत सारे, अमृत सारे गुरबाणी कहे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे सोरठ महला पंजवा, सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर, सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया, सगला दुख मिटाया सिमर सिमर, सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया, सगला दुख मिटाया ताप रोग, ताप रोग गए गुर बचनी, गए गुर बचनी मन इच्छे, मन इच्छे फल पाया, फल पाया ताप रोग, ताप रोग गए गुर बचनी, गए गुर बचनी मन इच्छे, मन इच्छे फल पाया, फल पाया सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया सगला दुख मिटाया सगला
दुख मिटाया सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुरबचनी मन इच्छे फल पाया मन इच्छे फल पाया मन इच्छे फल पाया सोरठ महला पंजवा सोरठ महला पंजवा बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर 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 सगले रोग बिदारे सगले रोग बिदारे गुरपुरे की सरणी उबरे कारज सगल सवारे हर जन सिमरिया नाम आधार हर जन सिमरिया नाम आधार ताप उतारिया सतगुर पूरे अपनी कृपा धार अपनी कृपा धार रहाओ सदा आनंद करे मेरे प्यारे सदा आनंद करे मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया वड़ी वड़ियाई नानक करते की वड़ी वड़ियाई नानक करते की साच शब्द सत भाख्या साच शब्द सत भाख्या साच शब्द सत भाख्या धन गुरु नानक सत श्री अकाल धन गुरु नानक दास तो हाथ जोड़कर बेनती करेगा कि इन शब्दों का जाप हर रोज किया करो हर रोज जब ये सीडी बन जाए तो इन शब्दों को सोते समय अपने पास लगाकर सुना करो ये एक दिन का नहीं 5 दिन का है ये महापुरुषों के वचन है 5 दिन ये कोई इस प्रकार जिस प्रकार से आज सबने मन वृत्ति एकाग्रचित करके सुना है गाया है गाविए सुनिए मन रखिए भाव इस प्रकार सुन लेंगे गुरु मेहर करेगा हम सबके तन मन और आत्मा तीनों आरोग हो जाएंगे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कहते हैं ना तीने ताप निवारण हारा तीन प्रकार के ताप होते हैं एक तन के रोग एक मन के रोग और एक आत्मा के रोग जो जन्म जन्मांतरों से हमारी आत्मा को लगे हुए हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक ये तीनों प्रकार के रोग मिट जाएंगे गुरु नानक की अगर नजर हो गई प्यार से बोलिए धन गुरु नानक और उसकी नजर पाने का तरीका क्या है गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख घर ले जाए धन गुरु नानक आइए अब दो पंक्तियां पढ़ें और समाप्त दुख पर हर सुख घर ले जाए दुख पर हर
पार ले जाए। I'm not afraid of the dark.